जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत हुई बेहाल। रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए कई घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। ओपीडी कमरे से गायब है डॉक्टर और स्टाफ। डोभी ब्लॉक में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा खस्ता हाल। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पूरे प्रदेश को नंबर वन बनाने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं देने में नंबर एक लापरवाह सरकारी अस्पताल बन गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के डोभी ब्लॉक में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इस समय पूरे जनपद में सबसे बड़ा लापरवाह सरकारी अस्पताल बना हुआ है और इस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह अस्पताल को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। दरअसल दोपहर 2 बजे कुछ मीडिया कर्मी अपने आप को दिखाने अस्पताल पहुंचे तो वहां की हालात देखकर वो लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि किसी भी ओपीडी कमरे में कोई भी डॉक्टर मौजूद न होने की वजह से लोग बिना खाए पिए रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे से आगे तो अभी कितना बज रहा है? अब देखल जाए, आप डॉक्टर लोग देखिए, इस समय कितना बज रहा होगा? इस समय तो 3-4 हुई। अच्छा, अभी तक सुई नहीं लगी? नहीं, बिना खाए पिए बैठी है। सवेरे भाग पर आके आ रतनपुर से हम आ गई, डॉक्टर ने अभी सुई नहीं लगाया? नहीं, ना लगल तबन बैठी साहेब, कौन सुनाई ना बी सरकारी में, कौन सुनाई बस देखाइए बैठन के बाद दिन बीत गल। और जब CMO डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से टेलीफोन पर वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से CMO डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से बात नहीं हो सकी। वहीं मरीज लगातार अपनी पर्ची लेकर ओपीडी में दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, जहां बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे का एक बैठे कुत्ता काटा है, कुत्ता काट लिया, तो अभी तक सुई नहीं लगी? नहीं। इस समय तो 3 बज रहे हैं। हाँ, 3 बज रहे हैं। तो बिना खाए पिए बैठे होंगे? जी हाँ, हमारी लापरवाही। हाँ ठीक, सुई लगाने के लिए कुत्ता का। अच्छा, दिक्कत यही थी, सुबह सब लोग बैठे हैं, सुबह 10 बजे 10:30 बजे से आगे सुई लगवाने के लिए कुत्ता का। अच्छा, तो अभी तक कोई डॉक्टर मिला है? मिला था, वो उधर गए हैं, और तो सब यही को हमको नहीं पता, हम तो नहीं बैठे हैं। अच्छा, आप 10 बजे से इंतजार कर रही हैं? 10:30 बजे हम आए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी अस्पताल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, आखिरकार डॉक्टर ओपीडी छोड़कर कहां गायब हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसी लापरवाही को देखने के बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा किस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये खबर जौनपुर से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।